दाल बाबा ये खिड़की खुल गया ये ये आपने खोल दिया किधर खींच के नहीं नहीं ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो एक आइस वेलकम टू अन न्यू ब्लॉग तब मुझे बोलने ही नहीं देती है वेलकम टू अन न्यू ब्लॉग और कैसे हैं आप सब आजाओ कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे अभी जयपुर में, में आज बहुत फॉगी आज आओ जो ये ना मेरा राजा क्यों भाग गए बापा बदमाश क्यों करता है पता ही नहीं क्यों करता है इतना बदमाश पापा पे गया है अपने और <laughs> आज जयपुर में बहुत ज्यादा फॉगी हो रखा है बाहर निकलते मतलब धूप तो छोड़ो देख कुछ नजर ही नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा फॉगी है मैंने बिल्कुल पैकड हो के अंदर बैठे हैं रूम हीटर वगैरह चला चलाएंगे अभी हॉल में लगाएंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे शांति से बस खाएंगे बनाएंगे खाएंगे और मस्ती करेंगे That's our plan for today's Sunday. नहीं। <laughs> और आज इतनी ज्यादा ठंड है कि हम इसी में घुसे पड़े हैं डेडी <laughs> डेडी होएंगे थोड़ा। मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी बट होना पड़ेगा मैं तो जब से उठाऊ तब तो से घुसा पड़ा है ना हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया है फिर हम वापस हाँ। से अब बिस्तर में घुस गए तो बिस्तर <laughs> पे हमने फोल्ड नहीं किया है अभी वापस से इसमें घुस गए बहुत ज्यादा ठंड थोड़ा सा नहाना धोना करेंगे पकड़ी और जी बाय जा रही है साइकिल चलाने ऐसी ठंड में हद नहीं 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 पिया ये साइकिल चलाने जा रही है बाहर सुनो ये ऐसे फॉक में नहीं पता चल जाएगा पियो सॉक्स टोपा पैन हाँ तो क्या, क्या करें? वो फ्लिप कैसे करता है ऐसे नहीं देखो कैमरा हाँ, है, है।, है नहीं कैमरा है ऐसे है गिर जाएगा पिया ये कैसे फ्लिप करते हैं लोग आई वॉन्ट टू लर्न दिस थिंग कैमरा मतलब फ्लिप मतलब ऐसे करके ऐसे अगले को दिखा देंगे ऐसे है ना ऐसे अरे तो कैमरे के अंदर ही होता है ना फ्रंट फिर नहीं 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 होता ऐसे हाँ ऐसे फिर ऐसे ये भी सही है हाँ? मुझे करना सीखना है ज्यादा ठंड है बाहर जाने की जरूरत नहीं है नहीं, नहीं। मैं नहीं जाने दूंगी इसको जा देखो मादा जी के पास जाना है नीचे जाके खेलना है खेत लेकिन बाहर मतलब तो घर से बाहर नहीं निकलना इतनी ज्यादा ठंड बारह बारह बजे नीचे धूप आती है अरे सुन लाता अब गलत है तो गलत है मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज में क्या की धूप नहीं निकली है नहीं तो ठंडे ठंडे ठंड और इन मैडम को साइकिल चलानी कपड़े ना उतार तो लाई में बड़े ऐसे ठंडे ठंडे हो रखे ना तो मन तो तो पार तो ही तो तो नहीं कर रहा बेटा इस टोकरी के अंदर ही है इसमें हाइस इस पन्नी में देखा अरे मैंने रखा है ये रहा चलो अब नहाना धोना करते हैं मेरा मन तो नहीं है बिल्कुल भी नहाने का बट नहाना पड़ेगा ऐसी ठंड में <laughs> बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा नहाने का हाँ बालों में ऑयलिंग भी करना है तो बस एक घंटे बाद नहाएंगे नहीं बेटा आप तो नहाना आज तो नहा कल भी नहीं नहाई थी और अभी मैंने बहुत ही डेयरिंग वाला काम किया है कि ऐसी ठंड में मैं नहाई हूँ और मैंने बाल भी धोए हैं <laughs> क्योंकि लग ये देखिए ना सुबह से ना मुझे ना वो कर रही है ये देखने में कितना गंदा लग रहा है ये मुझे प्रैंक कर रही है ये टॉय निकला है उसमें उसके साथ प्रैंक कर रही है मैं पहली बार तो डर गई लेकिन अब नहीं डरने वाली अब हमें जल्दी खाना बनाती हूँ खाऊंगी अभी खाऊँगी सभी हमने खाना वाना खा लिया था छुटकों को भी खिला दिया और अभी एक अर्जेंट काम कुछ आ गया था तो उसके लिए मैं जा रही हूँ बाहर और मैं जाऊँगी स्कूटी पे इसलिए पूरी पैंक टूक के जा रही हूँ और मैंने पूरा कवर अप किया है और जैकेट पहनी है उसके अंदर एक लॉन्ग स्वेटर पहना है उसके अंदर गर्म इनर पहना है चार चार चीज़ें पहनी है और उसके बाद में जा रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो आई कॉन्ट टेक एनी रिस्क और है भी पास में ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी मैं पास में जाऊँगी हाँ बेबी अभी तुम सुबह सुबह कुछ लेके आयो गलत बात चलो लेट मी सी बाय हेलो एवरीवन तो मैं बाहर गई थी कुछ काम से और मैं आ गई थी फाइव थर्टी के अराउंड अब सिक्स ओ क्लाक हो रहे हैं चाय वाय पी ली हमने मैं आई तब इन्होंने चाय बना रखी थी फटाफट से चाय पी छुटकू मेरा रोने लग गया था उठते ही मम्म का आए मम्म का, है? मम्मा का पास है? आया, मैं सब पूछ रहा मम्मा जी जी, है? मम्मा है? मम्मा का है फिर उन्होंने फोन किया मेरे को कि छुटकू जग गया और रोने लग गया आपको याद कर रहा फिर मैं फटाफट से आ गई दस मिनट लगते हैं मुझे पहुँचने में तो मैं फटाफट से आ गई और फिर आई तो मेरे चिपक गया और फिर थोड़ी देर बातें होते करी फिर बोलता अब मुझे माँ के पास जाना है हाँ। <laughs> तो वो गया नीचे अब नीचे खेल रहे आराम से तो पीहू भी बैठी है और पीहू पीहू यार अब बाल क्यों नहीं बनाते हो यार बाल बना लो प्लीज इतने बड़े बच्चे बन okay, गए हो आप सो ए गंदी बात नहीं बोल रही नहीं।, नहीं ऐसी गंदी हरकतों में मम्मा तो इतनी तो तो स्मार्ट बन के रहती हो तो मैं ऐसे गंदे गंदे बन के मेरे ब्लॉग में आओगे अच्छा आज मैं आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं और मतलब uh, क्वेश्चंस रहते हैं कि आप क्या करते हो और क्या है आपको क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ है तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग टुडे मैं आज आप सबको मेरे बारे में बताने वाली हूँ कि मतलब रब... <laughs> जैसे कि आप जानते हैं नाम तो मेरा सबको पता है किरण राठौर और आ, मैं मतलब बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाए तो वो भी आप हाँ मुझसे इसमें पूछ लेना तो मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बता दूंगी तो आ, मेरा एजुकेशन जो है वो है एम एड मास्टर्स ऑफ एजुकेशन मैंने किया है मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर थी लगभग दस से पंद्रह साल मैंने एक स्कूल में पढ़ाया है मतलब आ, बहुत अच्छे अच्छे जो जयपुर के टॉप मोस्ट स्कूल्स हैं लाइक जयपुर ये आर्मी स्कूल हो गया तन संस्कार स्कूल है देन कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल है वहाँ पे मैंने पढ़ाया है एक प्री स्कूल में मैं एज ए प्रिंसिपल वर्क कर चुकी हूँ एक टेंथ तक का हिंदी मीडियम का स्कूल था उसमें भी मैं एज ए प्रिंसिपल वर्क कर चुकी हूँ तो ये सब मैंने किया है लगभग like 15 इयर्स तक का मेरा um, ये था एजुकेशन uh, फील्ड में मेरा जॉब uh, uh, था देन उसके बाद uh, मैंने स्विच uh, किया है अपना जॉब मतलब नाउ आई एम नॉट टीचिंग एनी मोर हाँ मतलब लेकिन ये है कि अगर आप एक बार टीचर होते तो हमेशा टीचर हो हो ही <laughs> तो आई टीच च किड्स बट नॉट इन अ स्कूल नाउ ट्यूशन्स वगैरह का मैं सोच रही हूँ बट लेट्स सी अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं है बट आई एम थिंकिंग अबाउट इट लेट्स सी कैसे एग्जीक्यूट होता है नहीं होता है वो तो uh, मैं कैसे uh, इस प्रोफेशन में आई यूट्यूब या इंस्टाग्राम तो इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है हुआ ये था कि जब मेरा बेटा हुआ था सेकेंड चाइल्ड uh, तब ही वॉज वेरी शरीफ बच्चा बहुत शरीफ था ये उठता था और दूध पीता था वॉशरूम जाता था पॉटी जाता था और सो जाता था बिल्कुल भी तंग नहीं करता था बिल्कुल भी तंग नहीं करता था मतलब पीहू तो ऐसी थी जब ये हुई थी तो ये जितनी देर जगती थी नॉन स्टॉप रोती थी तो इसको ले लेके घूमना पड़ता था यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ उसके कंपेरेटिवली ये बहुत ज़्यादा शरीफ था मतलब मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता था कुछ भी नहीं बस उठा इसका फिक्स टाइम था वो भी हर चीज़ का सुबह पाँच बजे उठता था अपना पॉटी वाटी गया दूध वूध पिया वापस हो गया आठ नौ बजे तक फिर उठा दूध दूध पिया नहायत धोया वापस हो गया मतलब फिक्स टाइम था इसका तो उस टाइम मेरा सिज़ेरियन था सी सेक्शन था और सिज़ेरियन भी क्यों हुआ था रीज़न क्या था मेरे दोनों सिज़ेरियन ही है मतलब दोनों बच्चों ऑपरेशन से हुआ है तो उनका भी बहुत लंबा चौड़ा कारण है क्या कारण है वो भी मैं एक अलग से किसी दिन मूड बनेगा तब मैं बताऊंगी वो वाला कारण भी कि मेरे सिजेरियन क्यों हुए थे और सेकंड वाले में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी आए थे फर्स्ट इवन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे बहुत 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 परेशान हुई थी बट इट वॉज ऑल वर्थ इट तो नाउ आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट उसके लिए हम अलग से कभी बात करेंगे तो ये बहुत शरीफ था लेटा रहता था तो आई हैड इनफ टाइम तो होता ही है ना फोन स्क्रॉल करते रहते हैं आप वो दे स्टार्टेड यूजिंग इंस्टाग्राम उससे पहले मेरा अकाउंट था बट आई वॉज नॉट दैट मच एक्टिव तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखा और ये वो मुझे अच्छा लगा कि यार वाह सो आई स्टार्टड कैप्चरिंग माई मदरहुड वाला जो जर्नी था कि मैं उसके साथ वीडियोज़ मतलब तो बना रही हूँ वो लेटा हुआ है हम दोनों की फोटोज़ हैं जैसे हमारे नहावन की फ़ोटो थी या फिर बेबी की फर्स्ट पिक थी हम सब के साथ में पिक्स थी वो सारी आई स्टार्टड शेयरिंग और इंस्टाग्राम और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आ, उस पर मिलने लगा बहुत अच्छा दैन आई

तो so, इनिशियल वाला जो टाइम था उस टाइम मुझे ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगा बट इट वॉज़ वेरी नाइस मेरा uh, एक बहुत अच्छा बिल्ड बिल्डअप हो गया था काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी तो इट वॉज़ वेरी नाइस बट मुझे मॉनिटरी बेनिफिट इनिशियली इतना ज़्यादा नहीं था फॉर अराउंड एट टू टेन मंथस और सो तो उसके बाद ठीक है इट वॉज गोइंग स्मूथली है ना ऐसा कुछ देन आफ्टर एट टू टेन मंथ्स जब मेरे टेन के प्लस फॉलोअर्स हो गए फिफ्टीन के प्लस फॉलोअर्स हो गए देन आई स्टार्टड गेटिंग सम गुड ऑफर्स फ्राम गुड ब्रांड्स क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा था मेरा वीडियो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी मेरा कैप्शन क्वालिटी एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस सो आई स्टार्टेड गेटिंग सम गुड ऑफर्स फ्राम ब्रांड्स तो मुझे पता चल कि वाह एंड आई एम ऑल्सो स्टार्ट अप्रोचिंग ब्रांड्स की मैं आपके साथ वर्क करना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू शो केज योर प्रोडक्ट्स ऑन माई पेज ये सब चीज़ें तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया एंड बहुत बेनिफिट हुआ मुझे उस चीज़ से और अब मुझे लगभग हो गए हैं दो साल इंस्टाग्राम पर एंड ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी घर रहते हुए भी विद माय टू किड्स और अच्छा खासा मतलब अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ बच्चों के लिए टाइम निकाल रही हूँ प्लस आई एम अर्निंग मोर देन वट एवर आई वॉज गेटिंग इन अ टीचिंग जॉब जो कि मैंने छोटे uh, मोटे स्कूल्स में नहीं वर्क किया है जो uh, जो हाई पे करते हैं स्कूल्स जयपुर में जो हाइएस्ट पे करते हैं उनके साथ वर्क किया है बहुत अच्छा मेरा वहां पर सैलरी था बट स्टिल यहाँ पे घर पर रहते हुए भी आई एम अर्निंग मोर देन दैट आई कैंट रिव्यूल द एग्जैक्ट अमाउंट दैट आई एम गेटिंग एंड इट कीप्स अम चेंजिंग सो वो है सो दिस वॉज माई प्रोफेशनल पार्ट देन उसके बाद क्या हुआ बीच में यह आया था कि इंस्टाग्राम बैन होने वाला बंद होने वाला बंद होने वाला है बंद होने वाला सर so, मैं YouTube पे आना चाह रही थी बहुत टाइम से बट टाइम नहीं मिल पा रहा था आ, क्योंकि Instagram का ही बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था तो मैं YouTube चाह रही थी करना बट वो टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था देन जब ये आया कि Instagram बंद हो सकता है ये वो तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो गलत बात है मतलब कहीं ना कहीं आपको दूसरी जगह अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ेगी अदरवाइज अगर ये बंद तो फिर मतलब आपको बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा तो फिर मैंने और फिर मैंने एक इवेंट कराया था मिलाप 2021 तो तब मैंने डिसाइड किया कि अब से आई विल मतलब कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब टू तो ब्लॉगिंग का भी थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है ब्लॉगिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको मैं कंटिन्यूसली कर सकती हूँ